गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोनू साहू आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री परीक्षा जो 25 जुलाई को होने वाली है, उसके लिए यूनिट वन और यूनिट टू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए समीक्षा इंस्टीट्यूट द्वारा आपके क्या कहते हैं क्लास स्टार्ट की गई है, ओके, जिसमें आज हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट वन और यूनिट टू के। चलिए इनका एक्सप्लेनेशन करना है। QTS 001 जो समीक्षा इंस्टीट्यूट पर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है। शुरू करते हैं चलिए आज से। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। ग्वालियर का किला, असीरगढ़ का किला, चंदेरी का किला, मंदसौर का किला, ये किससे मैच होगा? तो जहाँ तक बात करें ग्वालियर किले, इधर लिस्ट सेकंड में उनके निर्माताओं के नाम दिए। तो ग्वालियर के किले का जो निर्माण है वो राजा सूरज सेन ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा सूरज सेन ने। यानी कि ए का ऑप्शन आपका क्या होगा? एक। उसके बाद जो ग्वालियर का किला है राजा सूरज सेन ने करवाया था, ये कब करवाया था? 525 ईसा पूर्व में। कब करवाया था? 525 ईसा पूर्व में। और इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इस किले में 5 दरवाजे हैं, जिनमें प्रमुख दरवाजे आपके हिंडोला दरवाजा, ठीक है, हाथी फोर्ट दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, गुजरी महल, इसके काफ़ी फेमस चीज़ें हैं। अब बात करते हैं ये कब बना था ग्वालियर का जो किला है 525 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए अब यदि मैं बात करूं असीरगढ़ के किले की, तो इसका निर्माण आपका करवाया था आसाराम अहीर। कुछ जगह आसाराम मिलता है तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। अब ये जो आसाराम अहीर ने निर्माण करवाया था ये 10वीं शताब्दी में करवाया था। कौन सी शताब्दी में करवाया था? 10वीं। चंदेरी के किले की यदि बात की जाए तो चंदेरी के किले का निर्माण आपका कीर्तिपाल सिंह ने करवाया था, यानी कि सी 143। और कब करवाया था चंदेरी के किले का निर्माण? 11वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में। और इसमें क्या है, इस चंदेरी के किले में जौहर कुंड, नौखंडा महल, खूनी दरवाज़ा और हवा महल दरवाज़ा है, ये काफ़ी फेमस है। और यही चंदेरी का किला वही किला है जब बाबर ने आक्रमण किया था किसके ऊपर? राजा कीर्तिपाल के, मेदिनी राय के ऊपर। किसके ऊपर? मेदिनी राय के ऊपर। तो उस समय बुरी तरह पराजित हो गए थे राजपूत राजा, उनकी रानियों ने एक साथ जौहर किया था, जो जौहर कुंड आपका यही है चंदेरी के किले में, और जो चंदेरी का किला 11वीं शताब्दी में निर्मित है। चलिए आगे यदि हम बात करें मंदसौर किले की, तो ये जो मंदसौर किला है ये कब बना है आपका? ये बना है ये 14वीं शताब्दी में बना है। किसमें? 14वीं शताब्दी में। और किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। मंदसौर का किला 14वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1432, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं आपकी सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि क्या कहते हैं आपके, अभी मैं सेट कर लूँ एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या? कि चंदेल वंश राजवंश की स्थापना गांगे देव ने की थी, जिन्होंने महोबा को अपनी राजधानी बनाया, जय शक्ति के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जिजाक भुक्ति पड़ा, चंदेल शासक गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया था, या चौथा है आपका कंदरिया महादेव का निर्माण यशो बर्मन ने करवाया। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन से कथन सही है। क्या पहला वाला सही है? बिल्कुल नहीं। चंदेल वंश नन्नुग ने स्थापित किया था, ठीक है, गांगे देव ने महोबा राजधानी बनाई थी, ये ठीक है, लेकिन स्थापक नहीं है।
जय शक्ति के नाम पर बुंदेलखंड पड़ा था, दूसरा सही है, यानी कि दूसरा सही है। तीसरे की बात की जाए, जो चित्रगुप्त मंदिर है इसका निर्माण क्या गंड देव ने करवाया था? बिल्कुल सही है, मतलब तीन सही है। कन्दरिया महादेव का निर्माण यशो बर्मन ने करवाया था? नहीं। तो इसका आंसर आपका सेकेंड का आंसर क्या जाएगा? दो और तीन सही, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि जबलपुर में क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जबलपुर में सत्याग्रह कब शुरू किया था? वैसे देखा जाए यदि मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश में सत्याग्रह का इतिहास 1916 सिवनी सत्याग्रह से माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन में हमने गांधी जी वाला पूछा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, 1939 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से मध्य प्रदेश में जबलपुर में सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसके प्रथम सत्याग्रही आपके कौन थे? जल्दी बताएं। चलिए नहीं है कोई, चलिए मैं ही बताता हूँ। जिसके आपके प्रथम राम मनोहर सिंह लोहिया वो थे, और दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये कब शुरू हुआ था? 1939 में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन है नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं, 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बाघ की जो गुफाएं हैं वो किस लिए फेमस है? बाघ की गुफाएं, ऑप्शन ए आपका है, चले टिकट आ, प्राकृतिक बाघ के आवास के लिए फेमस है, या अजंता एलोरा के समान है, या प्रैग ऐतिहासिक काली नाट्य मंच है, या कोई नहीं। ऋचा चौबे ने इसका आंसर बी दिया है, अजंता व एवं एलोरा के समान, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसका आंसर बिल्कुल सही है, बी ही है। जरा बाघ की गुफाओं के बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। ये बाघ की गुफाएं जो हैं आपकी, किससे संबंधित हैं बाघ की गुफाएं? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। किस नदी के किनारे हैं? बाघनी नदी के किनारे हैं, ठीक है। विंध्य पर्वत के आसपास का एरिया है, वहाँ बाघनी नदी के किनारे। पर्वत कौन सा है? विंध्य। इसकी खोज कब की थी? 1818 में। कब की थी? 1818 में। किसने की थी? डेंजर फील्ड ने की थी। किसने की थी? डेंजर फील्ड। तो इससे संबंधित कोई भी फैक्ट एग्जाम में यदि इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो यही सारे फैक्ट हैं बाघ की गुफाओं से संबंधित। और इनके फेमस होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये अजंता की गुफा, यहाँ जो सेल चित्र हैं, चित्रकारी है, वो अजंता और एलोरा की गुफाओं के समान है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, जिसे इंग्लिश में देखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, आमने सामने दिख रहे हैं, ठीक है। यदि बायलैंग्वल कोई हो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का तो कमेंट कर दे, मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब है हमें मैचिंग करना है। क्या करना है? मैचिंग। कैसे? एक तरफ आपके इनके नाम है, कौन है ये मध्य प्रदेश के फेमस चित्रकार, दूसरे तरफ उनके क्या है आपके वो है क्या उनके फेमस चित्र। तो उनके नाम को हमें उनके किससे डिनोट करना है? फेमस चित्र से, ठीक है। तो चलिए मेल करते हैं। पहला है डी देवलालीकर। तो आपको बताना है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डी देवलालीकर का फेमस चित्र कौन सा है ये देखते हैं। तो ये है आपका डेको रियलिस्टिक। क्या है? ए का डेको रियलिस्टिक। तो पहला कूट क्या हो गया आपका? 3। ए का 3। अब सैयद हैदर रजा, ये भी फेमस चित्रकार हैं, और इनका फेमस चित्र कौन सा है? समर। सैयद हैदर रजा का फेमस चित्र कौन सा है? समर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। विष्णु चिंचलांकर, इनका फेमस चित्र कौन सा है? इनका है आपका चासुस विधि, जासूस विधि 2 वाला, इसका मतलब 2। फिर कौन है आपके? हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का फेमस चित्र है चरणदास चोर का। तो डी का क्या हो जाएगा? 4।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर किससे मैच करेगा। हमने क्या बनाया था, 3124 ऑप्शन ए, तो कौन सा आंसर होगा इसका, ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सुमेलित नहीं है, मतलब तीन ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पढ़ने से आपको समझ आएगा, जैसे शेख रमजान के सामने दिया है सागर, शंकर शाह के सामने दिया है गढ़ मंडला, नारायण सिंह के सामने दिया है ग्वालियर और सादत खां के सामने दिया है महू। समझ आ गया, ये अपने 1857 की जो मध्य प्रदेश में क्रांति हुई थी उसके क्षेत्र के नेताओं से है। तो बताइए क्या शेख रमजान ने सागर क्षेत्र में 1857 की क्रांति का वो किया था नेतृत्व, बिल्कुल किया था, यानी कि ये तो सही है। शंकर शाह ने गढ़ मंडला में किया था, बिल्कुल किया था। नारायण सिंह ने ये ग्वालियर में नहीं किया था, नारायण सिंह ने किया था आपका रायपुर में। कहाँ किया था, रायपुर में किया था, किसने, नारायण सिंह ने। तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी। और शहादत खां ने महू में किया था, बिल्कुल सही। शहादत खां ने महू में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, नारायण सिंह ने रायपुर में किया था। आप कोई ये मत कहने लगना सर रायपुर तो छत्तीसगढ़ में जाएगा, अरे 1857 की क्रांति के समय रायपुर मध्य प्रदेश में ही शामिल था, और हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, MBBSC के सिलेबस में साफ लिखा है, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक की घटना है, ठीक है, रियासतों के बारे में। तो इसलिए इसको, और छत्तीसगढ़ कब बना है, 2000 में आके, इसलिए एक क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही थोड़ा सा फैक्चुअल भी कह सकता हूँ और एक्सप्लेनेशन वाला भी है। क्या क्वेश्चन है कि विष्णु के बराह अवतार की झांकी कहाँ पाई गई है। तो विष्णु भगवान है, उनके बहुत सारे अवतार हैं, मत्स्य अवतार है ना, उसी तरह आपका बराह अवतार है। तो बराह अवतार की मूर्ति, ये चार ऑप्शन है, इनमें से किस जगह मिली है, ग्वालियर में कि आपकी क्या कहते हैं खजुराहो में, उदयगिरी में या सांची में। तो देखिए ये है आपकी उदयगिरी, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। या महेंद्र सिंह राजपूत ने आंसर दिया इसका सी, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ओके। चलिए तो मैंने क्या बताया कि विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा कहाँ पाई गई है, उदयगिरी की गुफा में। उदयगिरी की गुफा किस कहाँ है, कब बनी हुई है, कब की है, ये कार्बन डेटिंग से इनकी जो समय है वो मिला है 10वीं शताब्दी पुरानी है। कितनी पुरानी है, 10वीं शताब्दी। इसकी बहुत सारी गुफाएं हैं, उसमें गुफा नंबर है आपका 20। कौन सा गुफा नंबर है, 20। इस गुफा नंबर 20 में आपके जे बरह विष्णु के बरह अवतार की जो क्या है वो है गुफाएं। अरे उदयगिरी नामक गांव के स्थान पर है, इसलिए उनका नाम पड़ेगा उदयगिरी की गुफाएं। किस गुफा में, गुफा नंबर 20 में। तो आंसर क्या होगा आपका, सी। 10वीं उदयगिरी की गुफाएं जो कब की हैं, 10वीं शताब्दी की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच इज द करेक्ट। देखिए तो पहला क्या है आपका, पहला है क्या मध्य प्रदेश के भावरा झाबुआ ग्राम में चंद्रशेखर का जन्म हुआ था, क्या ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल हुआ था झाबुआ ग्राम में, भावरा अभी वो क्या भावरा में पड़ता है, झाबुआ अलीराजपुर, ठीक है, उस समय की बात हो रही है 1906 समय की, उस समय भावरा झाबुआ में था, अब कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है, ये तो सही है। चलिए अब भारत में पहला सत्याग्रह जो है झंडा सत्याग्रह जबलपुर से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही, ये जबलपुर से ही हुआ था झंडा सत्याग्रह, कब हुआ था, 1930 में, मतलब ये भी सही है। सांची स्तूप में सारीपुत्र व महामोद गलियान की अस्थियां हैं, बिल्कुल सही, सांची जो स्तूप है वहाँ पे ये सारीपुत्र महामोद गलियान जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे उनकी अस्थियों के अवशेष सांची रायसेन जिले में पड़ती है अभी, वहाँ स्थित हैं। इस ऑप्शन डी उपर्युक्त, डी सभी सत्य हैं, तो इसका आंसर जाएगा डी। महेंद्र राजपूत ने इसका आंसर डी दिया था, बिल्कुल सही दिया। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल फेमस सी चीज़ है और सिंपल क्वेश्चन है कि ये चार इमारतें दी हैं, उनमें से कौन सी इमारत आपकी आगरा के ताजमहल के समान सुंदर है? सांख्य राजे सिंधिया की समाधि, अवंती बाई की समाधि, लक्ष्मी बाई की समाधि या गिरधारी बाई की समाधि? तो देखिए, ए है आपका ऑप्शन, ए सही है। सांख्य राजे सिंधिया की समाधि जो कहाँ आपकी शिवपुरी में है, ये ताजमहल के समान सुंदर है, इसकी खास बात है। ए आपका सिंधिया वंश, बिल्कुल। अभी मैंने क्या है, अब डाउट सेक्शन अभी मैं देख लूँगा, कमेंट वाला क्वेश्चन चिप्र आता इसलिए हटा दिया। चलिए, अवंती बाई रामगढ़ की रानी के नाम से फेमस हैं, लक्ष्मी बाई ग्वालियर में हैं, गिरधारी बाई, ये रानी गिरधारी बाई जो है ना, वो किसकी सहायिका है? अवंती बाई की सहायिका है। किसकी? रानी अवंती बाई की सहायिका। चलिए, तो इसको फैक्चुअल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर दो फटाफट, फिर मैं कमेंट सेक्शन ओपन करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जब तक। टांडा जो जनजाति है, टांडा ए निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है, किस जनजाति की उप जनजाति है टांडा? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी सहरिया, ऑप्शन डी बंजारा। कमेंट सेक्शन ओपन। ऑप्शन ए किसका दिया है, ए टेन। चलिए आगे आप आंसर देते हैं, आंसर के आगे डाल दिया करें, जैसे कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से आंसर नहीं आता है, जैसे 10 का सी या 9 का ए, ए भी लिखते हैं। चलिए सी आंसर आया है, देखते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका, ये जो है टांडा जनजाति, ये बंजारा जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंजारा जनजाति से। ओके चलिए, तो ये बंजारा जनजाति की क्या है, उपजाति है। अब हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें एक गायन शैली पूछा है। हमें एक घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। यदि आज नहीं हो पाएंगे तो कल करेंगे। हीड गायन शैली, ये गायन शैली है, ये किस प्रकार की गायन शैली है? चंपू गायन शैली है, प्रतिस्पर्धात्मक गायन शैली है, सामूहिक गायन शैली है, उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर दे, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, देखिए। हीड़ गायन है, ये होली के अवसर पर गाया जाता है। कब से गाया जाता है? होली के अवसर पर। और इसमें टोलियाँ बन जाते हैं, एक इधर टोली होती है, दूसरी इधर होती है। पहले एक क्वेश्चन कुछ गाती है, फिर ए गाती है, लगभग 5 टाइप की आप समझ सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रही है तो ये आंसर दे रही है, या फिर एक कुछ क्वेश्चन पूछ रही है तो ये आंसर दे। इस प्रकार ये कौन सी शैली हो गई? प्रतिस्पर्धात्मक। कौन सी? प्रतिस्पर्धात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चंपू गायन शैली क्या होती है? ये चंपू गायन शैली एक ऐसी गायन शैली होती है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में गाई जाती है। गद्य का मतलब इस तरह की नॉर्मल भाषा लिखी होना, पद्य का मतलब रैमिंग के साथ कविताएं लिखा होना। सामूहिक गायन शैली मतलब सभी एक साथ गाएंगे, गीत जो गा रहे हैं सभी एक साथ मिलके गाएंगे। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और स्टूडेंटों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। असत्य कसम छांटना है। कौन सा छांटना है? असत्य मतलब जो गलत है। क्या लिखा है? सिंहस्थ मेला छिपरा नदी के तट पर लगता है। जो सिंहस्थ मेला लगता है, सिंहस्थ या कुंभ मेला 12 वर्षों के पश्चात लगता है, वो क्या छिपरा उज्जैन में लगता है, क्या छिपरा नदी के तट पे लगता है? बिल्कुल सही, यानी कि ये तो सही है, ये आंसर हो नहीं सकता। रामलीला का मेरा भांडेर जिला दतिया में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में मकर संक्रांति पर लगता है। क्या ये सही है? बिल्कुल, बरमान का मेला नरसिंहपुर ज़िले में ही लगता है और मकर संक्रांति के अवसर पर ही लगता है, ये भी सही है। सिंगा जी का मेला मई जून में लगता है, नहीं, इसका है समय पीरियड है पीपल्या खुर्ड में लगता है, ये तो सही है, लेकिन इसका टाइम पीरियड जुलाई अगस्त का है, टाइम पीरियड गलत है। और हमें कौन सा छाटना था? असत्य, गलत स्टेटमेंट। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा फिर इस हिसाब से? डी।
क्योंकि यही असत्य बाकी के तीनों कैसे हमारे सत्य। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो यहाँ पे त्रिधारा, सवा के खेल एवं सीधे साधे चित्र, ये तीन रचनाएं दी हैं। पूछिए किसकी रचनाएं हैं। कमेंट सेक्शन खोल लेता हूँ, किसी का कमेंट आया हो तो 13 का। अच्छा आए तो हैं बहुत सारे कमेंट, ठीक है। चलिए डी आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए आप दीजिए 13 का डी। अच्छा हरिशंकर परसाई की रचना, चलिए मैं बताता हूँ। तो ये किसकी रचना है, मुक्तिबोध की? नहीं, मुक्तिबोध की तो फेमस रचना चांद का मुंह टेढ़ा ए है। क्या है मुक्तिबोध की रचना? चांद का मुंह टेढ़ा। ऑप्शन बी की बात करूँ, शरद जोशी? नहीं, इनकी रचना है तो परिक्रमा फिर किसी बहाने ए है। यदि मैं बात करूं सुभद्रा कुमारी चौहान की तो इनकी रचनाएं हैं त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र, और झांसी की रानी और मेरा बचपन, इनको भी याद रखना, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। झांसी की रानी वाली कौन सी? खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, इन्हीं की रचना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी। हरिशंकर परसाई की रचना एग्जाम में पूछी जाती है तो वो है आपका हंसते हैं रोते हैं। क्या? हंसते हैं रोते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। मध्य प्रदेश में वसुधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रकाशित की जाती है? इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट को डाउट होगा, जरा आंसर दो। मैं देखता हूँ 13-14 का भी आंसर आया है, ठीक है। आशुतोष जी ने दिया है, ओके। चलिए 13 का भी भोपाल। चलिए हम आपको बताते हैं, ये जो है आपकी 14 वाला, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी जो है आपकी जो कहाँ से प्रकाशित हुई थी, ये 1956 में इसके संपादक थे आपके हरिशंकर परसाई। कौन थे? हरिशंकर परसाई इसके संपादक थे, और ये जो इसका आंसर आपका जाएगा बी भोपाल ही जाएगा। क्या जाएगा? भोपाल। लेकिन कुछ जगह क्या है, कई लोग साइट पे सर्च करेंगे, बोलेंगे सर जबलपुर भी है, जबलपुर में होने लगी थी। अरे बाद में प्रकाशित हुई, स्टार्टिंग इसकी कहाँ से थी? भोपाल से। और इसके संपादक कौन थे? हरिशंकर परसाई। जब इसके संपादक के रूप में चेंज हो गए, संपादक इसके चेंज हो गए, एक घाटे में चल रही थी, तब भी हरिशंकर परसाई जी इस वसुधा पत्रिका का प्रकाशन करते रहे और उसकी प्रतिलिपियां ये खुद बेचते थे। कौन बेचते थे? हरिशंकर परसाई जी। इतनी घाटे में थी, फिर जब इसके संपादक चेंज हुए हरिशंकर परसाई के बाद, फिर इसका प्रकाशन लगभग जबलपुर से होने लगा। तो कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, इसका आंसर आप क्या लगाएं? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, जरा कमेंट सेक्शन देखते हैं, कोई डाउट? बिल्कुल सही था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में जो पर्यटन नीति है वो कब लागू हुई? ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपकी लागू हुई मध्य प्रदेश में नई पर्यटन नीति पूछी है, ये तो डायरेक्ट जाएगा इसका आंसर डी। 2010 में मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीन पर्यटन नीति आयोजित की गई है। आगे देखते हैं, कुदसिया बेगम के ऊपर है। भोपाल की प्रथम महिला शासिका मानी जाती हैं कुदसिया बेगम, भोपाल रियासत में थी। उन्होंने किस मस्जिद का निर्माण करवाया? इसका आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 16 का। कमेंट देखता हूँ मैं, 16 का डी आंसर आ रहा है, आशुतोष जी ने डी दिया है, बिल्कुल सही दिया है। जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया। ये जो सारे ऑप्शन दिए ना, मोती मस्जिद, ढाई सीढ़ी की मस्जिद, ताजुल मस्जिद, ये भी भोपाल में ही स्थित हैं, लेकिन इनका निर्माण कुदसिया बेगम ने नहीं करवाया। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? कुदसिया बेगम का। तो आंसर क्या जाएगा आपका? आंसर जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी जनजाति से संबंधित है, कि भारिया जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब भारिया जो जनजातियों के निवास स्थान है, निवास स्थान में आपका निवास स्थान है किसका? भारियाओं के। तो भारियाओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? फाल्या, कू, ढाना या टोला,
इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो। जरा देखते हैं, 17 का आशुतोष जी ने सी दिया है, ढाना। बिल्कुल सही जवाब दिया है। भारिया जनजाति के निवास स्थल को क्या कहते हैं? ढाना। फिर भाल्याकू टोला एक किसकी जनजाति के निवास स्थान है? आप इनके बारे में जानने के लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जाएं। मैंने क्लास ली है जनजाति और उससे संबंधित तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। आप उस क्लास को देखेंगे, वहाँ मैंने जनजातियों की पूरी क्लास ली और ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाएं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एमपी के करेंट से रिलेटेड है लगभग। क्या है? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग देता है पुरस्कार जिसका नाम है तानसेन पुरस्कार। यहाँ से एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, तानसेन पुरस्कार कौन प्रदान करता है? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग। तो इन्होंने तानसेन पुरस्कार किस सितार वादक को दिया? इन चार ऑप्शन में से पंडित सतीश व्यास को दिया है, कि दयाशंकर जगन्नाथ को दिया है, कि सुखविंदर को दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कि डॉक्टर एन राजन को दिया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन आप पहले जरा कमेंट देखते हैं, आप लोगों ने जवाब दिए हैं क्या? 18 का ए, बिल्कुल सही जवाब दिया आशुतोष जी। इसका आंसर है आपका पंडित सतीश व्यास जी को हाल ही में सितार वादक थे ए, इन्हें तानसेन पुरस्कार मिला। अगला, आलमगीर दरवाजा, ये तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक्सप्लेन कर दिया था। जब ग्वालियर का दुर्ग राजा सूरत सिंह ने बनवाया था, उसमें 5 दरवाजे थे ना, उन दरवाजों के नाम ले रहा था, उस समय ही इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। बिल्कुल वंदना जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, डी। बिल्कुल वंदना जी, आप आंसर ए बी सी डी टाइप करते समय ए बी टाइप करें कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, नेटवर्क इशू होता है तो मैं थोड़ा लेट आता है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ओके चलिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले ही कर दिया था, है ना, ग्वालियर किले का। अब वापस नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आगे देखता हूँ। चलिए, चलिए चलिए, अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम अपना आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये नृत्य लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखे हुए हैं? नृत्य, जनजातीय नृत्य। कौन कौन से? वरम, वरम, सैतम, सैला। ये किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? ये आपको जवाब देना है। व्हील जनजाति के हैं, कि भारिया जनजाति के हैं, कि आपके बैगा जनजाति के नृत्य हैं, या गोंड के हैं। ये फैक्चुअल टाइप में क्वेश्चन है, वरम, सैला और सैतम। इसका जवाब देखते हैं क्या आप लोगों ने दिया है क्या। क्वेश्चन नंबर 20 का बी दिया है वंदना जी ने, बिल्कुल सही दिया है। बैगा जनजाति जो है, भारिया जनजाति है, इसी के प्रमुख नृत्य हैं कौन से? वरम, सैला और सैतम। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? मेघदूतम में किस नगर की सुंदरता का वखान किया गया? आंसर दे फटाफट। मेघदूतम कालिदास के द्वारा रचित रचना है, और इसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के किस स्थान का वर्णन किया? आंसर आया है आशुतोष जी का 21 का सी, 21 का सी, उज्जैन। ओके, आप दिया है। कालिदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, और इन्होंने मेघदूतम की रचना की, और उसमें उन्होंने उज्जैन नगर के बारे में वर्णन किया अपनी इस मेघदूतम रचना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद नंबर 22 की। अभी कितना, आध घंटे में अपन ने 20 क्वेश्चन कर पाए। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार, क्या मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन में हुआ? मतलब मगध साम्राज्य जो था, इनमें से कौन सा राजा मगध का था जिसका क्षेत्र मालवा तक था? आंसर ऑप्शन है बिंबसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या शिशुनाग। बताएं जरा, अरे कमेंट देखता हूं मैं। 22 का डी दे रहे हैं, शिशुनाग। बिल्कुल सही जवाब है,
शिशुनाग, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि शिशुनाग है जिसमें 412 बीसी कब, ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व बीसी में इन्होंने वत्स, अवंती या कौसाम्बी को मगध साम्राज्य में शामिल किया था। वत्स, अवंती है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का डी। अब है अगला, शुंग वंश के वंशज किस स्थान से संबंधित थे, तो मतलब जो पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है, वो किस, वो कहाँ थे, मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं, उज्जैन से, सांची से, त्रिपुरी से या तिगवा से। इसका आंसर देखते हैं, 23 का आंसर आशुतोष जी ने ए दिया है, 23 का ए, उज्जैन जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, 23 का उज्जैन बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये जो उज्जैन है, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक हैं, और ये राजवंश जो है, मौर्य राजवंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जो आपके मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं, उज्जैन से। चलिए अगला है, बैगाचक क्षेत्र का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में, अरे मध्य प्रदेश से जनजाति वाले मैंने बताया था बैगाचक क्षेत्र के बारे में, आप चाहें तो क्लास देख सकते हैं, इसका आंसर दें। बैगाचक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश की तीन जनजातियां अति पिछड़ी जनजातियां, 24 का डी आंसर दे रहे हैं। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, गलत आंसर है डी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में तीन जनजातियां जो काफ़ी ज़्यादा अति पिछड़ी हुई घोषित की गई हैं, कौन कौन सी, ग्वालियर चंबल संभाग की सहरिया जनजाति, बैगाचक क्षेत्र मंडला की बैगा जनजाति, और पातालकोट की भारिया जो छिंदवाड़ा जिले में पड़ती है, छिंदवाड़ा के पातालकोट की भारिया। तो बैगाचक क्षेत्र जो है कहाँ पड़ता है, मंडला में, और इस बैगाचक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है, बैगा की। बैगा जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, दा बैगा, याद रखना, जे एल्विन, एक पुस्तक है दा बैगा, जिसे किसी ने लिखा है, एल्विन कुलियन कोल्विन ने लिखा है, ठीक है, इसका नाम मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और ये बैगाचक क्षेत्र आपका क्या है, आपका यही है मंडला में, इसका आंसर सी जाएगा, किसी ने दिया था क्या, 24 का वंदना रावत ने सही, हाँ वैरियर एल्विन, बिल्कुल वैरियर एल्विन दा बैगा का, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने वंदना रावत जी, मंडला है, वैरियर एल्विन ही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, बघेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है, बघेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है, चार नाट्य दिए, माच, काठी, चाहोर, रास, इनमें से बाकी बघेलखंड में कौन सा होता है फेमस, माच वगैरह, काठी वगैरह, रास वगैरह या चाहोर। इसका आंसर देखते हैं 25 का क्या आया है, 25 का सी दिया है आशुतोष जी ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है, चाहोर जो है ये बघेलखंड का लोक नाट्य है, बाकी के बघेलखंड के लोक नाट्य नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो हम देखेंगे 100 क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चल रहे हैं, शायद इसकी क्लास 2 भी अरेंज करनी पड़े, चलिए कल भी यदि क्लास होगी तो 12 बजे से ही होगी, यदि 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट नहीं हो पाए तो। पद्माकर समारोह है, कौन सा समारोह, पद्माकर फेमस समारोह है, ए का आयोजन कहाँ किया जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ही आएगा आंसर, जबलपुर में, टीकमगढ़ में, इंदौर में या सागर में, पद्माकर समारोह कहाँ आयोजित होता है, क्वेश्चन नंबर 26 का डी दिया है आशुतोष जी और वंदना रावत दोनों ने, तो इसका है सागर, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 26 का क्या है डी, बिल्कुल सही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, विज्ञान गीता, ये जो विज्ञान गीता है किसकी रचना है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साहित्य से संबंधित है, इसका आंसर दे क्वेश्चन नंबर 27 का, आशुतोष जी ने सी दिया है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, बिल्कुल विज्ञान गीता जो है केशव दास की रचना है, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, केशव दास जी का उपनाम क्या है, कठिन काव्य का प्रेत। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, ये इतिहास से है कि 16 महाजनपद थे, उनमें से उन 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कितने थे, इन 16 महाजनपद का क्या कहते हैं उल्लेख कहाँ मिलता है, जैन धर्म अंगुत्तर
निकाय अंगुतर बौद्ध धर्म अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, उन महाजनपदों में से कितने महाजनपद एमपी में स्थित थे? एक क्वेश्चन है, आंसर दें। बंद्रा जी ने दिया है 28 का वी आंसर, बिल्कुल सही दिया है आपने, बी 2, बिल्कुल सही। कौन कौन से? चेदी और अवंती, चेदी और अवंती। ये जो 6वीं शताब्दी के 16 महाजनपद हैं, इनका पूरा सीरियल मतलब क्रम बाई क्रम कहाँ लिखे हुए हैं? साक्ष्य क्या है हमारा? अंगुत्तर निकाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था बताएं। 29 ए ऑप्शन है, सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका मिश्र, उद्धव दास मेहता, या ए और बी दोनों। 29 का डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ये नमक सत्याग्रह है जो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के साथ डांडी मार्च से प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका मिश्रनाथ मिश्र दोनों ने किया था, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके नन्नोक, क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन है आपके नन्नोक, ऑप्शन बी है आपका धंगदेव, ऑप्शन सी है आपका जय शक्ति, ऑप्शन डी यशोवर्मन। फटाफट आंसर दें इसका। 30 का आंसर दिया जा रहा है डी, बिल्कुल सही। क्या है? डी, बिल्कुल। खजुराहो का जो फेमस चतुर्भुज मंदिर है, इसका निर्माण जे आपके यशोवर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? यशोवर्मन। यशोवर्मन कौन है? चंदेल राजवंश है जो स्थापित हुआ था बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड रियासत से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ए भी मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित है। मांडू के सुल्तान हुआ करते थे बाज बहादुर, उन्हें इनमें से किस मुगल शासक की सेना ने पराजित किया था? ये आंसर देना है, बाबर की सेना थी, हुमायूं की सेना थी, अकबर की सेना, या जहांगीर की सेना। आंसर दें फटाफट, कमेंट सेक्शन देखते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है? चलिए मैं ही बताता हूँ, इसमें तो बड़ी देर में लोड हो रहा है, 30 तक ही आंसर हुए, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर है आपका 31 का आंसर है, जो मांडू के सुल्तान हुआ करते थे उस समय बाज बहादुर, काफ़ी फेमस हैं, है ना, मांडू का किला वगैरह स्थापित किला इन्होंने बनवाए हैं, फेमस हैं। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने पराजित किया था आपको किसको? अकबर की सेना ने पराजित किया था उस समय, इनके समय कौन थे? अकबर थे मुगल बादशाह, इनकी सेना ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था। चलिए ये फैक्चुअल टाइप में क्वेश्चन था। अगला है मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति पर कौन सा मंदिर है? 32 का आंसर दें फटाफट। तेली का मंदिर है, भैरव का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है, नचना कुंठार का मंदिर है। 32 का बी दिया है आशुतोष जी ने, बिल्कुल। देखते हैं जरा क्या है तेली का मंदिर, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये जो तेली का मंदिर है, या ठीक है, या सहस्त्रबाहु मंदिर बोलते हैं सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर जो है वो आपके दक्षिण भारतीय पद्धति पर, या द्रवण शैली, इसका दूसरा नाम किस रूप में मिल जाता है? द्रवण शैली में। एकमात्र मंदिर कौन सा? तेली का मंदिर। कहाँ स्थित है? ग्वालियर के किले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 जो मध्य प्रदेश कला परिषद, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई? 32 के बाद 33 का आंसर बी, बिल्कुल दिया गया है, मतलब 1953 दिया है आशुतोष जी ने। ओके, अभी मैं बताता हूँ, और कोई आंसर आ रहा है क्या? नहीं, चलिए मैं ही बताता हूँ।
आपका क्वेश्चन नंबर है 33। 33 का आंसर है आपका सी, मतलब 1952 में स्थापना हुई थी, ना कि 1953 में। ठीक है आशुतोष जी, ये मध्य प्रदेश कला परिषद, डेट को याद रखना, एक पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में महादेवी वर्मा पुरस्कार की यदि बात करें, जो भी फेमस है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, कब किया जाता है, कब से प्रारंभ हुआ मतलब ये, तो इसका आंसर क्या है जरा देखते हैं आप लोगों क्या दे रहे हो। 33 का बी आप दे रहे हो 2002, गलत है, इसमें आपने एक साल कम कर लिया, 2003 में, और ये कब हुआ था आपका 1952 में। मध्य प्रदेश कला परिषद 1952, महादेवी वर्मा पुरस्कार आपका 2003, ऑप्शन सी। अगला बात करूं मैं, मकबरा पूछा गया मोहम्मद गौस का, ये आंसर तो 35 क्वेश्चन नंबर किसी का गलत ही नहीं होगा, 35 का बी, ओके 30 मोहम्मद गौस का मकबरा, ये भी आप गलत आंसर है। मोहम्मद गौस जो तानसेन के गुरु थे, ठीक है, ये ग्वालियर में है। कहाँ है मोहम्मद गौस का मकबरा? ग्वालियर में। हरदास भी हैं तानसेन के गुरु, हरदास भी और मोहम्मद गौस भी हैं, ठीक है, और यहीं पर इनके यहीं एक वो होती थी मृगनयनी, ठीक है। तो क्या थे तानसेन जो थे, हिंदू थे, उन्होंने मृगनयनी भी इन्हीं के पास आती थी मतलब सीखने के लिए, उसी बैच में ये अपने तानसेन भी थे, और उनको उनसे प्रेम प्रसंग हो गया, उन्होंने मृगनयनी से शादी करने के लिए अपना धर्म का रूपांतरण कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर ही पहुंच पाए। कालिदास पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किया गया, कालिदास पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 36 का सी दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 1980 और 81 में कालिदास पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, 1980-81 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश के फेमस पुरस्कारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का ऐतिहासिक नाम किस शिलालेख में मिलता है, मतलब किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, इसको जब आप देखोगे तो ये आपका होगा गुर्जरा अभिलेख दतिया, यहाँ, मतलब 37 का आंसर क्या होगा ए, और दूसरा है गुर्जरा अभिलेख मॉस्की, यहाँ भी मिलता है। ठीक है, तो अपने इन ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन है, नॉलेजेबल का मतलब एक क्वेश्चन में तीन चार चीज़ें याद हो जाएं, तीन चार क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, कि कौन सा सुमेलित नहीं है, हीरा लाल यादव क्या विरहा गायक हैं, हाँ हैं, यानी कि ये सही है। नामवर सिंह क्या हिंदी साहित्य के आलोचक हैं, बिल्कुल ये भी सही है। हाकू भाई बजू भाई जनजातीय लोक कला से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। जय पुरोवी बोर मुदई क्या हॉकी खिलाड़ी है, नहीं हॉकी खिलाड़ी नहीं है, ये साहित्यकार हैं, और इन्हें पुरोवी बोर मुदई को क्या दिया है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, कब मिला, 2007 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत, वो क्या कहते हैं, पुरस्कृत किया गया, या इन्हें मिला साहित्य अकादमी अवार्ड, ये हॉकी खिलाड़ी ना होके क्या है, साहित्यकार हैं, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा डी। आप लोगों ने क्या दिया था 38 का डी, बिल्कुल सही जवाब दिया था। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय द्वारा होली के अवसर पर एक सप्ताह मतलब 7 दिन तक एक पर्व मनाया जाता है, उस पर्व का नाम क्या है, भगोरिया कल्पक्कम झंगारी या नील महोत्सव, तो ये है आपका, इसका आंसर देख लेता हूँ क्या दिया आप लोगों ने, 39 का ये बिल्कुल सही दिया है, भगोरिया उत्सव, ये भगोरिया उत्सव होली के अवसर पर होता है, भगोरिया हाट का आयोजन आपका झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में इनका है, सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या हम कहें यहाँ इन आदिवासियों की भीलों की, वो वहीं है, वहीं पे भगोरिया उत्सव का आयोजन होता है। चलिए मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना की गई थी वो किस स्थान पे की गई, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या ग्वालियर में,
किस स्थान पे की गई क्रांतिकारी दल की स्थापना? 40 का सी बताएं, क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, 40 का सी आंसर दिया है आप लोगों ने, जो जबलपुर, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए, तो मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी? जबलपुर में। किसके लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो ग्वालियर में माधव संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? माधव संगीत विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने की थी। ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो आपका 1918 में स्थापित हो गया था। कब हो गया था? 1918 में। किसने स्थापित किया था? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ए आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश उत्सव कंफ्यूजिंग है, लेकिन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 जवाब दो जरा, मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 42 का। ए बिल्कुल सही जवाब दिया आशुतोष जी आपने, 42 का आपने जवाब दिया है दिल्ली, बिल्कुल। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, वो दिल्ली में किया जाता है। जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है वो मोस्टली सोच लेते हैं कि भोपाल होगा, भोपाल टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है, जबकि इसका आंसर क्या है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझाने लायक क्वेश्चन है तो फैक्चुअली। चरण पाद का नरसंहार जो हुआ था, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोलते हैं, कब हुआ था जे? 1930 में छतरपुर में ये हुआ था। तो ये कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने गोलियां चलवाई थी या जिसके आदेश पर वहां नरसंहार हुआ? जलियांवाला नरसंहार 1919 में हुआ था ना, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग मैदान में। ठीक वैसा ही 1930 में चरण पादुका नरसंहार हुआ था। किसके अवसर पर हुआ था? वहाँ था जनरल डायर, यहाँ है कर्नल फिशर। इनकी पोस्ट थी क्या थी? कर्नल फिशर की। 43 का, हाँ 40 क्वेश्चन नंबर तो ये वाला कौन सा चल रहा है? 43 चल रहा है। 43 का आंसर आपने दिया है बी, बिल्कुल गलत दिया है। इसका है फिशर है, क्या आंसर है? फिशर। एक्सप्लेन मैंने इसको कर ही दिया क्या था। अब मध्य प्रदेश का पहला हिंदी और उर्दू, क्या हिंदी और उर्दू, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। और वो भी कैसा था आपका? साप्ताहिक था, मतलब हफ्ते में एक दिन होता था, वीकली मैगजीन। कौन थी वो? थी आपकी मालवा अखबार। मालवा अखबार कौन, कैसी मैगजीन थी? ये वीकली थी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होती थी और पहली वीकली मैगजीन है। कहाँ की है? एमपी की। अब है गायकी, ध्रुपद गायकी से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 45। ध्रुपद गायकी से संबंधित है तो किस घराने से संबंधित है ध्रुपद गायकी? ये आपका अपना ग्वालियर का ही है, ग्वालियर घराना। ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना फेमस है? ग्वालियर घराना। तानसेन, ग्वालियर से कौन है फेमस? तानसेन, मैंने बताया था ना अभी, एक्सप्लेन भी किया था उनके गुरु वगैरह और मृगनैनी के साथ रिलेशन भी एक्सप्लेन किए थे अभी पीछे। चलिए, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, आपने पचमढ़ी का नाम तो खूब सुना होगा, है ना, पर्यटन नगरी है, काफ़ी घूमने लायक जगह भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ, है ना, वह एंजल फॉल वाटरफॉल्स हैं वहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश का हम क्या कह सकते हैं, हिल स्टेशन भी है, एकमात्र हिल स्टेशन है। इसका प्राचीन नाम क्या था? आप लोगों ने क्या जवाब दिया देखता हूँ। 47 का जवाब नहीं आया। चलिए, तो जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी जो है इसका प्राचीन नाम है पांचालगढ़। क्या है इसका प्राचीन नाम? पांचालगढ़ है। किसका? पचमढ़ी का। हम बात करें 47 क्वेश्चन के, क्या कौन सा नृत्य एकल नृत्य है, मतलब बाकी के नृत्य जो हैं ग्रुप में होते हैं, जबकि एक नृत्य ऐसा है जो सिंगल हो जाता है, एक व्यक्ति उसको परफॉर्म कर सकता है, सिंगल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 का आंसर बताएं। 47 का सी, ओके, मतलब सी का अर्थ है मटकी दिया है, बिल्कुल सही। ये मटकी ही एक ऐसा नृत्य है जो एकल नृत्य है। ये कहाँ किया जाता है? मालवा क्षेत्र में किया जाता है। मालवा क्षेत्र का एक और नृत्य फेमस है आड़ा खड़ा।
या रजवाड़ी नृत्य बोले, ये भी आपका मालवा क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर आशा करते हैं सही आएगा कि निम्न में से किस दुर्ग का जो निर्माण है, दुर्ग का निर्माण वो किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा किले का निर्माण करवाया था, इसका एक्सप्लेन मैं पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर चुका हूँ, मंदसौर के किले में। आंसर देखते हैं क्या दिया है, 48 का ए, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, 48 का ए मंदसौर ही है। इनके बारे में जब मैंने किले वो मेदिनी राय वगैरह उनके डिस्कस कर रहा था ना, उस समय भी आया था क्वेश्चन, आपने ध्यान दिया हो, क्वेश्चन नंबर ए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा चित्रकार मध्य प्रदेश का नहीं है, मकबूल फिदा हुसैन क्या ये मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं या नहीं, रमेश पटेरिया क्या ये मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं या नहीं, सैयद हैदर रजा क्या ये मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं या नहीं, ऑप्शन डी रमेश गुजराल। जवाब देखते हैं 49 का बी, मतलब रमेश पटेरिया आपके अनुसार सही नहीं है, ये तो गलत आंसर दिया है आपने, और देखते हैं कोई आंसर दे रहा हो तो, नहीं गलत दिया है। चलिए 49 जो है 49 का बी नहीं है, मकबूल फुदा हुसैन या MF हुसैन ये मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं, इसे हमने अपने पिछले क्वेश्चनों में भी डिस्कस किया था प्रमुख चित्र में, सैयद हैदर रजा को वो भी हमने उसी में डिस्कस किया था, है ना। अब अगला क्या था, रमेश पटेरिया ये मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं लेकिन रमेश गुजराल नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 49 का डी। ओके चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, 50 की क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो लगभग किसके कर रहे थे, यूनिट वन से संबंधित, अब क्वेश्चन नंबर 50 के बाद मोस्टली जो क्वेश्चन है वो है आपके यूनिट टू से संबंधित। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 तक ही करते हैं, कल हम 51 के आगे की सीरीज में करेंगे, ठीक है। और आपकी जो लाइव क्लास है वो डेली होगी, 12 बजे से 1 बजे तक चलेगी। जो लाइव क्लास लेना चाहता है, क्लास की लिंक जो अभी आपको शेयर कर दी गई है, आप इसे अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। और समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा कि बैच 2 प्रारंभ किया गया है टेस्ट सीरीज का, QTS टेस्ट सीरीज, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन चलता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो क्या है, तो किसे कहा गया पुरातात्विक साक्ष्य का जनक, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय, इसका आंसर दिया था क्या 50 का किसी ने, चेक कर लेते हैं। वंस आप लास्ट में आए, बिल्कुल राम राम, बिल्कुल आप क्या है क्लास आपने मिस कर दी है, आप इस क्लास को शुरू से देख सकते हैं। इस क्लास में MPPSC के MP हिस्ट्री से रिलेटेड यूनिट बन के क्वेश्चन करवाए गए हैं। आज की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 50 तक रख रहा हूँ, कल एक क्लास फिर से होगी क्लास 2 के नाम से, 12 से 1 चलेगी, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो मैं ज़रा अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, प्रागैतिहासिक पुरातत्व इनके जनक कौन है, इनके जनक कौन है आपके, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय, क्यों है, इन्होंने 1869 में भारतीय पुरातत्व के कुछ औजारों की स्थापना की थी, है ना, चेन्नई मद्रास में इन्होंने अन्वेषण केंद्र भी बनाया था जहाँ पे ताम्रपाषाणकालीन हथियार औजार रखे गए। तो इसका आंसर क्या जाएगा फैक्चुअल का, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय। इस क्लास को आज हम क्वेश्चन 50 तक ही रख रहे हैं, 51 से 100 तक कल सॉल्व करेंगे, ठीक है, थैंक यू क्लास। और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक ग्रुप पर या अपने क्या कहते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पर, इसकी लिंक को शेयर कर दें, थैंक यू।